उदाहरण तीन, कुछ घनाकार टुकड़ों ब्लॉक्स से खेलते हुए विलियम ने चित्रानुसार एक संरचना बनाई। यदि प्रत्येक घन के किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो विलियम द्वारा बनाए गए संरचना का आयतन ज्ञात कीजिए। उदाहरण तीन, बच्चों विलियम ने कुछ घनाकार टुकड़ों से खेलते हुए एक संरचना बनाई और बच्चों प्रश्न में हमें दिया है कि प्रत्येक घन के किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है बच्चों हमको? प्रत्येक घन के किनारे की लंबाई बराबर a बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम प्रत्येक घन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसलिए प्रत्येक घन का आयतन सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारा घन का आयतन है वो होता है a गुणित a गुणित a। बच्चों a का मान हमने यहां पर निकाला 4 सेंटीमीटर, ये हमको प्रश्न में दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64 घन सेंटीमीटर। बच्चों यदि हम संरचना में जो कि विलियम ने बनाई है उसमें जो जितने घन का उपयोग किया है उसने, यदि उसकी हम गिनती करें तो हम पाते हैं कि 15 घन का प्रयोग करके ये संरचना बनाई गई है। तो क्या हो गया बच्चों? संरचना में लगे घनों की संख्या 15। तो बच्चों यदि हमको पूरी संरचना का आयतन ज्ञात करना है तो हमको इन 15 घनों के जो है कुल आयतन की गणना करना होगा। और हमने ये देखा कि एक घन का जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है, इसलिए संरचना का आयतन 64 गुणित 15 और इनकी गणना करते हैं बच्चों तो ये आता है 960 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों विलियम ने जो 15 घनाकार टुकड़े हैं उनकी सहायता से जो रचना संरचना तैयार की उसका आयतन जो है उस संरचना का वो आया 960 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार इस प्रश्न का हमने हल प्राप्त कर लिया। करके देखें, अपनी पुस्तक के किसी आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पुस्तक की ऊंचाई मापकर पुस्तक का आयतन ज्ञात कीजिए। अपने स्कूल के पुस्तकालय की अलमारी के किसी खाने में आपकी पुस्तकों जैसी आकार वाली कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं? क्या आप विद्यालय में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं? पुस्तक के स्थान पर पिछले कुछ दिनों के इकट्ठे किए गए समाचार पत्रों के साथ उपयुक्त गतिविधि
कर बताइए कि पुस्तकालय की अलमारी कितने दिनों के समाचार पत्र से भर जाएगी। हमने सीखा, पहला, घन एक नियमित सम षटफलक ठोस आकृति है जिसमें चार पार्श्व फलक और आठ शीर्ष हैं। दूसरा, यदि घन के किनारे की लंबाई a है तब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर, घन का आयतन बराबर a क्यूब। तीसरा, यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित कोष्टक में LB प्लस BH प्लस LH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित H गुणित कोष्टक में L धन B, घनाभ का आयतन बराबर L गुणित B गुणित H। चौथा, ठोस वस्तुएं जिनका आयतन अधिक होता है वे अधिक जगह घेरती हैं।